हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करेंगे ओजोनोलिसिस रिएक्शन, जो कि क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या हुआ करती है? कहीं ना कहीं नाम से ये क्लियर होता है, रिएक्शन विद द ओजोन, ओजोन के साथ रिएक्शन हमें करानी है। तो होता क्या है, जो आपके पास एल्कीन हुआ करती है, CH3CH डबल बॉन्ड हमने क्या लिया है, दैट इज द प्रोपीन। क्या बेटा? That is the propene। अगर propene की रिएक्शन हम किससे करा दें, ओजोन के साथ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एक ओजोनाइड कंपाउंड बनेगा। वो ओजोनाइड कंपाउंड क्या है, CH3CH और ये आपका CH2, ये O, फिर इधर क्या है, That is the O, फिर क्या करेंगे O, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, That is the propene ओजोनाइड। क्या कहलाता बेटा? That is known as प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन ओजोनाइड। ठीक है, अब इसमें अगर हमने क्या डाल दिया, इसको हमने डाल दिया किसमें, वाटर में, जिसमें जिंक प्रेजेंट है, गैडन मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है ये ब्रेक करेगा, इसमें ब्रेक करेगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक इन दिस वे। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर ब्रेकिंग होती है। तो पहले पार्ट में क्या बनेगा, CH3CHO, दूसरा क्या बनेगा, CH2O, और एक ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा, जिंक ले जाएगा। तो इस तरह से क्या क्या बना, पहला बना CH3CHO, दूसरा क्या बना CH2O, इसको और क्या हम कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं HCHO। क्या लिख सकते हैं बेटा? HCHO। अब देखें ये क्या चीज होते हैं, दे आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन क्या हो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो, तो वो क्या है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। और ये दो तरह का हुआ करता है, पहले को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एल्डिहाइड, और दूसरा जो होता है क्या होता है, दैट इज द कीटोन। क्या होता है? कीटोन। एल्डिहाइड को जनरली हम कैसे पहचानते हैं, RCHO। क्या? RCHO को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। और कीटोन को कैसे पहचानते हैं, RCOR। ये क्या होता है बेटा, कीटोन हुआ करता है। तो ओजोनोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आइदर एल्डिहाइड होगा, आइदर कीटोन होगा, और मे बी द मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों का मिक्सचर हुआ करता है। तो यहां पर हमने क्या देखा, प्रोपीन लिया, प्रोपीन की रिएक्शन जब ओजोन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपीन ओजोनाइड मिलता है। क्या मिलता है? प्रोपीन ओजोनाइड मिलता है। अब यहां पर क्या है कि जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं CH3CHO और दूसरा क्या है HCHO, इसका नाम क्या है, इसको जरा हम समझते हैं। एक इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है, और एक क्या होता है बेटा, इसका IUPAC नेम होता है। कॉमन नेम क्या होता है इसका, दैट इज द एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड हुआ करता है। IUPAC नेम क्या होता है, आप क्या करेंगे, एल्केन जो दिया, एल्केन जो है में क्या होता है, कार्बन काउंट करते हैं, तो एल्केन में जो कार्बन काउंट करते हैं, मेथेथ प्रोपब्यूट, उसी तरह से यहां पर देखें कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, तो क्या हुआ, इथेन हुआ। क्या हुआ? इथेन। तो आप क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, इथेन लिखिए, उसमें से ई हटाइए और एल जोड़ देते हैं। इथेन लिखेंगे, उसमें से ई हटाकर एल जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, दैट बिकम द इथेनल। क्या हो जाएगा बेटा, इथेनल। मतलब जो एल्डिहाइड हुआ करते हैं उसमें हम सफिक्स क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, अल लगाते हैं, ई को हटाएंगे, एल्केन में से एल लगा देते हैं। अब इसके नाम के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा हम यहां पर देखेंगे, क्या है आपके सामने, HCHO। इसका स्ट्रक्चर आप देखें कैसे बनाते हैं, ये सी, फिर इसके बाद क्या है, ये क्या है CHH, और ये क्या है, डबल बॉन्डेड। अब यहां पर इसके कितने नाम है, दो नाम है, पहला क्या है बेटा, दैट इज द कॉमन नेम, दूसरा क्या बताएं, दैट इज द IUPAC नेम। कॉमन नेम इसका क्या होता है, दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो हमने क्या बताया, आप पता करिए कितने कार्बन है, तो कार्बन कितने हैं, एक है, तो एक में आप क्या लिखेंगे, मीथेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं।
और ई हटाइए, एल आप ऐड करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, दैट बिकम द मीथे नल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मीथे नल। तो हमें आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोनों थोड़ा सा देखते हुए चलना है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको नोट करें, फिर आज ही हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी करेंगे जो कि आपकी ओजोनोलिसिस पर बेस्ड होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट लिखना, इसको शुरू करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम एक आध एग्जाम्पल, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी को हम बेस बनाते हुए चल रहे हैं। तो एक दूसरा एग्जाम्पल है जो कि आपकी बुक में दिया है, इसके बाद फिर हम आ जाएंगे सीधे प्रैक्टिस पर, ठीक है। चलिए अगला जो हम लेते हैं वो क्या है, वो है आपका CH3, फिर क्या है C, और ये क्या है बेटा CH3, और ये क्या है डबल बॉन्ड CH2। पहले इसका नाम हम लोग देख लेते हैं, क्या नाम है इसका, एक तो कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम क्या है इसको समझते हैं, कॉमन नेम क्या होगा, दैट इज द आइसो ब्यूटीन। कॉमन नेम क्या होगा, आइसो ब्यूटीन, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 चार कार्बन तो है, लेकिन एक कार्बन ऐसा है जो आइसो की कंडीशन पर है, ठीक है। और दूसरा क्या नाम होगा, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, टू मेथिल, क्या कहेंगे, टू मेथिल प्रोप वन इन, या तो प्रोपीन वन, कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहां पर हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, ओजोन की। किसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा, ओजोन की। तो ऐसी कंडीशन में पहले हमें क्या मिलता है, ओजोनाइड कंपाउंड मिलता है। ओजोनाइड कंपाउंड जो बनेगा CH3, ये क्या है CH3, और ये हमने इधर क्या लगा दिया CH2, ये O लगाइए, फिर इधर क्या है O, और फिर क्या है O। दिस इज द ओजोनाइट कंपाउंड, ये क्या है, ओजोनाइट कंपाउंड। अब इसमें अगर हमने ZN और H2O यूज किया, होता क्या है, देखें ये जो ओजोनाइट कंपाउंड होता है, यहां पर तो हमने ZN H2O लिया है, लेकिन जब इसे हम लोग हाइयर लेवल पर पढ़ते हैं तो अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पर यूज करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट भी हमारा अलग अलग आता है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। लेकिन अभी हम पूरा पूरा फोकस आपके एग्जामिनेशन पर कर रहे हैं, क्लास 11th का जो आपका एग्जाम होना है उस पर पूरा फोकस है, फोकस एनसीईआरटी प्रॉब्लम पर है, या एनसीईआरटी में जो भी दिया उस पर। आगे हम लोग स्टडी करेंगे हायर लेवल, लेकिन अभी पूरा पूरा ध्यान देंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ। अब ये क्या होता, बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस तरह से इधर ब्रेक होगा, और ये क्या होगा, इधर ब्रेक होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, पहला बनेगा क्या CH3, ये क्या हो जाएगा बेटा CH3, और ये क्या है CO, ये पहला प्रोडक्ट। दूसरा क्या बनता है, दैट इज HCHO, ये आपको कैसे मिलेगा, CH2O के फॉर्म में क्या मिलेगा, CH2O। इसका नाम हमने अभी आपको बताया, कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम मीथेनल होगा, क्या होगा, मीथेनल होगा, एक एल्डिहाइड है। लेकिन ये जो है आपका एक कीटोन है, इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी रखनी है। पहली चीज ये क्या है भाई, दैट इज द कीटोन। कीटोन कैसे पहचान है, सीओ ग्रुप एल्किल ग्रुप से ऐड होंगे, ठीक है। तो पहली बात क्या है भाई, ये एक कीटोन है। दूसरी बात क्या है, इसका जो कॉमन नेम है, जनरली जो हम लोग बुलाते हैं, जो बुलाएंगे वो क्या है, दैट इज द एसी टोन। कॉमन नेम क्या बेटा, एसी टोन। और क्या नाम हो सकता है, इसका नाम हो सकता है आपका सीओ को क्या बोलते हैं, कीटोन कहते हैं। सीओ को क्या बोलते हैं, कीटोन। इस कीटोन से दो ग्रुप लगे हुए हैं, कौन से, मेथिल, तो क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कीटोन भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कीटोन भी कह सकते हैं। तो अगला नाम क्या होगा, दैट विल बी द डाई मेथिल कीटोन, क्या होगा, डाई मेथिल कीटोन। अब एक बात और समझें, वो क्या बात है कि यहां पर आईयूपीएसी नेम जब लिखना होगा तब क्या करेंगे, टोटल आप कार्बन काउंट करें, जैसे हमने बताया था मीथेन इथेन प्रोपेन, मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो वहां पर आप उसका एल्केन बनाइए, एल्केन में से ई हटाएंगे, ई हटाएंगे, वहां क्या, अब क्या जोड़ेंगे, कीटोन के केस में ओ एन ई ओन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ओन। तो कितने कार्बन, 1 2 3, तीन कार्बन का एल्केन बनाएंगे, तो क्या बनेगा, दैट विल बी द प्रोपेन। प्रोपेन में से ई हटाइए, अब क्या जोड़ देंगे, ओ एन ई, क्या जोड़ेंगे, ओ एन ई, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, दैट बिकम द प्रोपेनोन। नाम हमें
ध्यान रखना है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नाम अगर पता रहेगा तो इजीली हम जान पाएंगे। अब देखें यहाँ पर क्या है सीओ के, ये कंपाउंड के बारे में, इसको और कैसे लिखा मिलेगा आपको, ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है CH3 CO CH3 CO CH3 CO CH3 के फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, वो क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोनोलिसिस कराने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एसीटोन या प्रोपेनोन और फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनल मिलता है, कौन सी एल्कीन रही होगी। फिर से बात को समझे, क्वेश्चन में पूछेगा एक का एक एल्कीन है, उस एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रोपेनोन और क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, तो वो कौन सी एल्कीन रही होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, दोनों कंपाउंड लेकर आएंगे CH3 और ये क्या है, ये क्या है भाई CH3 और ये क्या है CO, पहला क्या मिलता है प्रोपेनोन, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। आप क्या करें, ऑक्सीजन इधर ही मूव करके रखें CH2O, ठीक है, और क्या करें दोनों के ऑक्सीजन को हटाएं, आप दोनों के ऑक्सीजन को बाहर करें तो क्या बनेगा CH3 और इधर क्या है बेटा CH3, ये डबल बॉन्ड क्या है CH2। आप एक बात समझिए, यहां पर हमने क्या किया था, ऑक्सीजन को दिया था, दोनों में ऑक्सीजन हमने दिया था, अब यहां से ऑक्सीजन को निकालना है, और ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, जब दोनों कंपाउंड का ऑक्सीजन को एक सीध में लाइए और ऑक्सीजन को निकालिए और फिर आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी द एल्कीन, क्या बनेगा एल्कीन, ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात हमको और आगे ले चलते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे जो कि आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया है कि ओजोनोलिसिस करने के बाद आप बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, पहला क्या, हाँ एक बात और समझें, ये क्या करता है डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताएगा कि एल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ पर है, एल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ पर है, इसकी पोजीशन को कौन बताता है, या ओजोनोलिसिस बताता है, तो क्या बताएंगे, इट टेल्स, ये बताएगा पोजीशन ऑफ क्या, डबल बॉन्ड इन एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी ये बताता है। जैसे अगर आपके सामने दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, क्या नाम बेटा इसका, ब्यूट टू इन है, क्या नाम है, ब्यूट टू इन है, अगर आपने इसका ओजोनोलिसिस कराया और आपके सामने क्या दिया है ZN एंड H2O, अब आप पूरा ओजोनाइट नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट करेंगे, अब क्या करेंगे बीच से काटिए इसको ऐसे, इधर देंगे ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या बनेगा, दैट बिकम द CH3 CHO और फिर दूसरा भी यही बनता है CH3 CHO और क्या बनेगा ZN O बनता है। लेकिन अगर अगर आपने ले लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन अगर ओजोन और ZN और H2O के साथ करा दें तो आपकी ब्रेकिंग यहां से होती है, ठीक है, ब्रेकिंग क्या होगी यहां से होती है, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CHO और इधर क्या मिलेगा CH2O और क्या बेटा ZN O, तो ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन होगी, दैट विल बी द ओजोनोलिसिस रिएक्शन, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन को अगर बताना कहां पर है तो क्या होगा, आप बताओगे कि वो कहां पर है अकॉर्डिंग बाय द ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है, नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे हम इसका कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को लेंगे जो थोड़ा सा ट्रिपिकल है, आसान चीजें आप कर सकते हो आसानी से, तो यहां पर हम लोग लेते हैं, पहला है 3.4 डाई मेथिल, ये क्या हो जाएगा हेप्ट 3-ईन, इसका हमें क्या करना है ओजोनोलिसिस करना, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, क्या दिया पहले पीछे से आए, यहां पर ईन है और हेप्ट में तीन पोजीशन पर, हेप्ट का मतलब सात कार्बन, तो
तो सात कार्बन आप बनाइए, टोटल कितने कार्बन बेटा, सात कार्बन, कितना, तीन तीन छह, कितना हो गया, सात। अब क्या करेंगे, तीन पर इन, वन टू थ्री, तीन पर क्या करेंगे, इन लगाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड लगाएंगे। फिर क्या कहा, थ्री एंड फोर, ये वन टू थ्री, थ्री पर क्या करेंगे, एक मेथिल लगाइए। फिर क्या कहा, फोर पर, फोर पर भी हमने क्या लगा दिया, मेथिल लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, मेथिल लगा दिया। इस तरह से पहले आप स्केल्टन बनाइए, क्या करेंगे, स्केल्टन, फिर आगे इसकी बैलेंसिंग करिए। देखिए इसमें कितने कार्बन की बैलेंसी, एक पूरी है, कितनी होनी चाहिए, चार होनी चाहिए, कार्बन की कितनी बैलेंसी, चार, तो क्या लिखेंगे, सी एच थ्री, यहाँ कितनी, एक इधर, दो ही पूरी है, तो हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, सी एच टू, फिर इधर क्या हो जाएगा, सी एच थ्री डबल बॉन्ड, फिर सी, और फिर क्या हो जाएगा, सी एच थ्री, और फिर इधर क्या होगा, सी एच टू, फिर क्या होगा बेटा, सी एच थ्री। अब रिएक्शन आप किससे कराएंगे, ओजोन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ जेडन एंड एच टू ओ। कैंची से क्या करेंगे, कैंची से नहीं, गलत बात, आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इस तरह से लगेगा काटने, इसको ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बनेगा क्या, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, फिर सी, फिर इधर क्या हो जाएगा, सी एच थ्री, ये क्या है, सी ओ। अब फिर इसके बाद इधर देखेंगे, ये हो जाएगा सी ओ, फिर इधर क्या होगा, सी एच टू, फिर इधर सी एच थ्री, फिर इधर क्या होगा, सी एच थ्री, और क्या बनेगा, और बनेगा जेड एन ओ बनेगा, क्या बनेगा, जेड एन ओ बनेगा। जरा इसके नाम पर आते हैं, कैसे हम लोग नाम लिखेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव, कितने होंगे, पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन का आप क्या करेंगे, पहले क्या लिखें, पेंटेन लिखें, क्या लिखें, पेंटेन। अब यहां पर देखें क्या लगा है, सीओ ग्रुप लगा है, क्या लगा, सीओ, सीओ का मतलब कीटोन। अब क्या होगा, इसमें से ई हटाएंगे, क्या जोड़ देंगे, ओ एन ई, क्या करेंगे, ओ एन ई, तो क्या लिखेंगे, दैट इज द, और कहां पर है, दूसरे पर है, दूसरे पोजीशन पर, तो क्या कहेंगे, दैट इज पेंटेनोन टू, क्या बनेगा, पेंटेनोन टू। इसके नाम पर आए जरा, वन टू थ्री फोर, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोन, क्या होगा, ब्यूटेनोन टू हो जाएगा, क्या होगा बेटा, ब्यूटेनोन टू। अब अगर आपको कहा जाए एक एल्कीन है, एक एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस कराने पर हमें ये और ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, कौन सी एल्कीन रही होगी, तो आप इन दोनों को उठाएं, ऑक्सीजन एक साइड आप करके दोनों से ऑक्सीजन निकालेंगे और वहां पर डबल बॉन्ड सेट कर देते हैं, फिट कर देते हैं। अब देखिए इसी को अगर और हायर लेवल में आपको रिप्रेजेंट करना हो, तब क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन करेंगे, या बॉन्ड लाइन नोटेशन के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। कितने कार्बन दिए हैं जरा बताएं, हेप्ट का मतलब सात, वन टू थ्री फोर फाइव, कितना हुआ, सिक्स सेवन, एक दो तीन चार पांच छह सात। अब देखिए वन टू थ्री, तीसरे पर हमने डबल बॉन्ड लगाया, एक एल्कीन यहां लगा, एक एल्कीन यहां पर लगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन विद द ओ थ्री जेड एन एंड एच टू ओ, आप इसको बीच से काटिए, ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर देंगे, एक ऑक्सीजन इधर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, ऐसी कंडीशन में ये बन जाएगा, पहला ये प्रोडक्ट बना, दूसरा जो बनेगा, दूसरा ये बन जाएगा, ठीक है। दोनों हमने ये आपका कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में किया है, ये क्या किया, बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में किया, ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए एक आध एग्जांपल और लेते हैं ताकि चीजें थोड़ा सा और आसान हो। अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखें ताकि चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, दिया है दैट इज टू एथिल ब्यूट वन इन, टू एथिल ब्यूट वन इन, तो इसका अगर हमें बनाना है तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, चार कार्बन, कितने कार्बन बेटा, चार कार्बन, तो वन इन, वन पर आप डबल बॉन्ड लगाइए, टू पर क्या लगाएंगे, एथिल वन, टू, टू पर क्या लगा देते हैं, सी टू एच फाइव, एथिल लगा देते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन पूरे फिलअप करें, सी एच थ्री सी एच टू, फिर इधर क्या हो जाएगा, सी टू एच फाइव डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, सी एच टू, क्या हो जाएगा, सी एच टू। अब क्या करें, रिएक्शन विद द ओजोन, ओजोन के साथ रिएक्शन कराएं, इन द प्रेजेंस ऑफ जेड एन एच टू ओ। अब क्या करेंगे, बीच से ब्रेक करें, ऑक्सीजन इसको मिली, ऑक्सीजन इसको मिली,
तो क्या बनेगा, दैट बिकम द CH3 CH2, और इधर हो जाएगा क्या CH3 डबल बॉन्ड क्या है CH2, और इधर हो जाएगा CH2O, और क्या मिलेगा ZnO, क्या मिलेगा बेटा ZnO। तो क्या करते हैं, जो भी दिया हो पहले स्केलेटन तैयार करें, स्केलेटन तैयार करने के बाद आप क्या करेंगे एल्कीन बनाएंगे, ठीक है, ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो एक ऑक्सीजन दोनों साइड आपको देना होता है, तो यहाँ क्या बनेगा कीटोन, और ये क्या है एल्डिहाइड, ये क्या है कीटोन, ये क्या है एल्डिहाइड। तो इस तरह से हमने सीखा कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आई होप, क्योंकि जो टिपिकल क्वेश्चंस थे वो हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है फिर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। अब क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोपेनल प्रोपेनो3 ओजोनोलिसिस करने पर एल्कीन बताना है, कौन सी एल्कीन हमें मिलती है, क्या दिया है क्वेश्चन लेते हैं 13.7 प्रोपेनल प्रोपेन 3 ओन, तो प्रोपेनल का मतलब CH3 CH2 CHO, ये क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी है। और फिर क्या दिया है पेंटेन 3 ओन, क्या दिया है पेंटेन 3 ओन, तो ये हो जाएगा क्या CO, फिर इधर CH2 और ये क्या हो जाएगा CH3, दैट इज पेंटेन 3 ओन, और ये क्या है प्रोपेन प्रोपेनल। तो यहां पर अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी एल्कीन है तो क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन को आप यहां से हटाएंगे, तो क्या इसको उस उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, इसको उठा के इसके ऊपर, तो क्या बनेगा CH3 CH2 C, इधर क्या होगा CH2 CH3, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटाएंगे, इस पर डबल बॉन्ड लगाएंगे CH, फिर क्या होगा CH2 और फिर क्या होगा CH3। तो इस तरह से आप इसका नाम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, आगे क्या करते हैं इसका नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होता कोई प्रॉब्लम होता आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉर्ट आउट करेंगे जितनी जल्दी जल्दी हो सके। तो आज इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें शेयर करें, और अगर कोई सजेशन हो तो आप